हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम का हलवा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने लिए हैं यहाँ करीब 150 ग्राम बादाम, जिन्हें मैंने करीब 10 से 12 घंटों तक भिगो के रख दिया था। और मैंने लिया है करीब 200 से 250 ml दूध, और करीब 50 ग्राम मैंने ली है चीनी, और मैंने ली है 6 से 7 इलायचियाँ, जिन्हें मैंने कूट कर उनका पाउडर बना लिया है, और साथ ही मैंने लिया है घी। बस हमें इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, ये बहुत ही कम चीज़ों में बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने करीब 100 से 150 ग्राम बादाम लिए थे, और उन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो करके रखा था करीब 8-10 घंटा। तो ये अच्छे खासे फूल गए, और इनका जो छिलका है वो बहुत आसानी से उतर जाता है फूल जाने के बाद। तो मैंने इन सभी का छिलका उतार लिया है। हमें इसे कोसली ग्राइंड करना होगा, मतलब कि दरदरा सा पीसना है हमें इसे। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये बादाम पीस लिए हैं, और ये देखिए इस तरीके से ये दरदरा सा एक कोर्स सा इसे पीस लिया है। और इसमें अगर एक दो कुछ पीसेस रह भी जाते हैं बादाम के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इसमें काफी अच्छे लगते हैं। आप इसे एकदम चिकना ना करें, वरना इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। ये जब दरदरा होता है तभी इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई में घी गरम करने रख लेते हैं, और हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये कढ़ाई में करीब 2 से 3 चम्मच घी ले रही हूँ, क्योंकि बादाम में खुद का भी एक ऑयल होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा घी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 चम्मच घी काफी होगा इतने बादामों के लिए। और मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ। ये घी जब हल्का सा पिघलने लगे तो हम इसमें हमारे बादाम डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा घी गरम हो गया है, अब इसमें मैं हम डाल दे रही हूँ। इसे कुछ देर चलाते रहिए, वरना ये नीचे से जल जाएगा, और इसे धीमी आंच पे ही भूनिएगा। सो फ्रेंड्स हमें ये चलाते हुए करीब भूनते हुए बादामों को करीब 5-7 मिनट हो चुके हैं, और देखिए इसने अपना कलर भी हल्का सा चेंज कर लिया है, थोड़ा ये गोल्डन सा कलर आने लगा है इसमें, और इसमें थोड़ा ऑयल भी छूटने लगा है। तो जब ये ऑयल छोड़ने लगे उसके बाद हम इसमें मिल्क डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें करीब 200 ml मिल्क डाल रही हूँ, और अब हम इसे थोड़ा दूध डालकर दूध अटने तक पकाएंगे। अगर अभी आप चाहें तो हल्की सी गैस की फ्लेम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ दूध को अटाना है, बीच बीच में हाथ जरूर चलाते रहें। डालने के बाद पकते हुए इसे करीब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, और देखिए ये हमारा दूध पूरा अट चुका है, मतलब कि जो हमारे मिल्क की क्वांटिटी थी वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुकी है। अब इसमें हम करीब डालेंगे 50 ग्राम के आसपास शुगर या चीनी। आप एकदम से बहुत ज्यादा चीनी ना डालें, पहले आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा फीका है तो आप इसे बाद में कर सकते
थोड़ी और ऐड चीनी, क्योंकि ये हलवा बहुत ज्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है। ये चीनी डालकर पकाते हुए हमें करीब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये हलवा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं या फिर हम इसे और कुछ देर के लिए थोड़ा और ड्राई कर सकते हैं, पर ये इतना ही अच्छा लगता है, इसे बहुत ज्यादा ड्राई भी ना करें। अब हम इसमें डाल देंगे इलायचियां, जो 5 से 6 इलायचियां मैंने कूट कर रखी थी, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, पर मैंने केसर यूज नहीं किया है। ये कुछ ना भी डाले तो इसमें जो बादाम का टेस्ट होता है ये बहुत अच्छा आता है ऐसे भी। तो चलिए हम गैस ऑफ कर देते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम एक छोटे से क्यूट से पॉट में सर्व कर लेते हैं। और ऊपर से हम इसमें कुछ ड्राई आलमंड्स और पिस्ते से इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा टेस्टी एंड हेल्दी सा हलवा बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।